हम सब ने बचपन से भारत की रामायण देखी है, राम कथा सुनी है, चाहे वो रामानंद सागर की रामायण हो या फिर ओम राउत की आदि पुरुष। कभी हमने इसे पसंद किया है तो कभी इसका विरोध किया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि राम कथा दुनिया के कई देशों में मिलती है और इन सब में मुस्लिम देश इंडोनेशिया की रामायण काफी ज्यादा मशहूर है। चलिए आपको इंडोनेशिया की रामायण सुनाते हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का टीवी 9 दिल्ली एनसीआर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिज्ञा कश्यप। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, जहां आज से प्राण प्रतिष्ठा की पूजा विधि भी शुरू हो गई है। 22 जनवरी का पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। इस आयोजन की धूम के बीच राम कथा से जुड़ी नई जानकारियां रोज रोज सामने आ रही हैं। राम कथा दुनिया के कई देशों में छाई हुई है। इन देशों में मुस्लिम देश इंडोनेशिया भी शामिल है। इंडोनेशिया की अपनी ही रामायण है जिसमें राम कथा का अलग स्वरूप मिलता है। चलिए जानते हैं इंडोनेशिया की रामायण और भारत की रामायण में क्या फर्क है। इंडोनेशिया 9वीं और 10वीं शताब्दी तक बौद्ध और हिंदू देश था। बाद में वहां के लोगों ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया। इंडोनेशिया की आबादी 23 करोड़ से ज्यादा है, जो दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। फिर भी साल 1973 में वहां की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन किया था। वैसे भी इंडोनेशिया में राम कथा का प्रभाव कई क्षेत्रों में दिखता है। वहाँ पत्थरों पर राम कथा के चित्र भी उकेरे गए हैं। लेकिन भारत और इंडोनेशिया के रामायण में काफी अंतर पाया जाता है। एक और जहां भारत की रामायण में राम की नगरी का नाम अयोध्या है, जहां प्राण प्रतिष्ठा की अभी तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया की राम कथा में इसे योग्या के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में राम कथा को ककीनन या काकाविन रामायण के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया की इस रामायण के रचयिता कवि योगेश्वर माने जाते हैं, जो 26 अध्यायों वाला एक बड़ा सा ग्रंथ है। और इस रामायण में राजा दशरथ को विश्व रंजन कहा जाता है, जो एक शैव यानी कि शिव की आराधना करने वाले शख्स है। इंडोनेशिया की रामायण की शुरुआत राम के जन्म से होती है। वहीं इंडोनेशिया की रामायण में लक्ष्मण को नौसेना का अध्यक्ष बताया गया है और सीता को सिंता कहा जाता है। इंडोनेशिया की रामायण में हनुमान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और वहाँ राम कथा में हनुमान को अनुमान कहा गया है। हनुमान वहाँ कितने प्रसिद्ध हैं, इसका पता इसी बात से लग जाता है कि आज भी इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश की आजादी का जश्न जब मनाया जाता है तो इसकी राजधानी जकार्ता में सड़कों पर हनुमान यानी कि हनुमान का वेश बनाकर बड़ी संख्या में लोग जो है वो सरकारी परेड में शामिल होते हैं। इसका आयोजन हर साल 27 दिसंबर को होता है। इंडोनेशिया में भी वहाँ की रामायण पर आधारित रामलीला का मंचन किया जाता है, जैसे भारत में होता है। वहाँ की सरकार ने भारत सरकार से ये मांग की थी कि भारत में भी इंडोनेशिया की रामायण पर आधारित मंचन किया जाए। और अब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान इंडोनेशिया की रामायण का मंचन किया जाएगा। तो ये थी इंडोनेशिया की रामायण, जो भारत से कई मामलों में बहुत अलग है। आपको ये रामायण कैसी लगी और आपने कहीं अगर इसका मंचन देखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।